हेलो फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को मूत्राशय का संक्रमण काफी ज्यादा परेशान करता है और इसी संक्रमण की वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेजिटेशन और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं अपनी आज की वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप जान सके कि गर्भवती महिला मूत्राशय के संक्रमण को किस तरीके से दूर कर सकती है। नंबर वन, खूब सारा पानी पिए। जी हाँ, अपनी बॉडी से किसी भी प्रकार के संक्रमण को दूर करने के लिए बैक्टीरियास को मारने के लिए सबसे पहला और सस्ता उपाय है पानी। यदि आप पूरे दिन के अंदर पर्याप्त पानी की मात्रा पिएंगे तो आपको मूत्राशय के संक्रमण से काफी ज्यादा निजात मिलेगी और साथ ही साथ ही आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी आपकी सहायता करेगा। नंबर टू, खुद से दवा लेने के बारे में बिल्कुल न सोचे। जी हाँ, यदि आप गर्भवती है और आपको मूत्राशय का संक्रमण है तो आपको खुद से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आपको और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि जो दवाई आपने ली हो वो इतनी गर्म हो जिसकी वजह से आपका गर्भपात तक हो सकता है। टिप नंबर थ्री, बाथरूम को रोकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, यदि आपको मूत्राशय का संक्रमण है और आप गर्भवती हैं और आपको उसी टाइम बाथरूम आता है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। टिप नंबर फोर, सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको अपनी योनि को पानी से निरंतर साफ करते रहना चाहिए। ध्यान रहे, यदि आपको मूत्राशय का संक्रमण है तो आपको योनि पर साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। योनि को साफ करने के लिए केवल पानी का ही प्रयोग करें। टिप नंबर फाइव, आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। जी हाँ, कई बार मूत्राशय का संक्रमण ज्यादा ही हो जाता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा असुविधा होती है। कई बार उसी वजह से पेशाब करते समय जलन होती है और कई बार पेशाब के समय ब्लीडिंग भी होती है, इसीलिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना भी बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसे सुझाव और कुछ ऐसे टिप्स जो आप आजमा सकते हैं गर्भवती महिला को मूत्राशय के संक्रमण से निजात दिलाने के लिए। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।